श्रीमाधोपुर news.com पोर्टल पर आज मेरे साथ में ओमप्रकाश मिठारवाल हैं। ओमप्रकाश मिठारवाल ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 जो साउथ कोरिया में आयोजित हुई थी उसमें 50 मीटर फ्री पिस्टल के अंदर स्वर्ण पदक भी जीता है। ओमप्रकाश जी, आपका श्रीमाधोपुर news.com पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओमप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा आपके खुद के मुँह से, दूसरा आपकी अब तक की जर्नी क्या रही उसके बारे में भी जानना चाहूँगा, तो आप इनके बारे में थोड़ा बताएं। मैं ग्राम सियोड़ी और डाणी निमनी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान से रहने वाला हूँ। मैंने एजुकेशन 10th तक गाँव में की और 12th सीकर डिस्ट्रिक्ट में की। उसके बाद में मैंने BSc कॉलेज श्रीमाधोपुर तहसील से की थी। इसके बाद 2013 में मैंने आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद में मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स चुना। उधर एक YBC नाम का कंपटीशन होता है, उसके अंदर जो प्रैक्टिस करवाते हैं पहले उसमें सिलेक्शन पॉलिसी होती है, जो अच्छा स्कोर मारता है उसका सिलेक्शन होता है उधर। उसके बाद में आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट होती है महू इंदौर में, उसमें ट्रायल्स होते हैं, उधर ही कंपटीशन होते हैं। उधर सेलेक्ट होने के बाद में नेशनल खिलाए, फिर नेशनल के बाद में जो इंडिया में टॉप 3 होते हैं वो इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो मैंने 2016 में एशियन एयरलाइन चैम्पियनशिप में टीम का गोल्ड था। उसके बाद में चलता रहा प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद में हुआ मैक्सिको में वर्ल्ड कप था, उसके अंदर मिक्स टीम इवेंट का गोल्ड था। फिर अभी कॉमनवेल्थ में 2 ब्रॉन्ज और अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 50 मीटर फ्री पिस्टल में गोल्ड और 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट का सिल्वर था। ओमप्रकाश जी, अब तक आपके मोटे मोटे तौर पे क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अब तक कितने मेडल्स मिल चुके हैं, नेशनल लेवल पे आपको कितने मेडल मिले हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कितने मेडल मिले हैं? नेशनल लेवल पर मेरे को 21 मेडल्स मिल चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे को 8 मेडल्स मिल चुके हैं। 8 में से कितने गोल्ड हैं आपके पास में? 8 में से गोल्ड है 4। ओमप्रकाश जी, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत सारे खेल खेले जाते हैं और आजकल चलन में जैसे आ रहा है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोग खेलते हैं, सभी का रुझान उसी की तरफ रहता है। आपने शूटिंग को चूज किया, तो शूटिंग में आपका इंटरेस्ट किस तरीके से बना, क्या आपका बचपन से इसमें इंटरेस्ट था? इसके अंदर क्या है कि मैंने जब आर्मी ज्वाइन की तो आर्मी में बोला गया मेरे को कि बोला एक गेम है बोला शूटिंग, उसके अंदर बोला ना कोई मेहनत की ज़रूरत है इतनी, बस मेंटली गेम है, अगर माइंड मजबूत है तो अपने आप बहुत डेवलप हो सकता है। उसमें मेरे को आगे बताया गया कि बोला ऐसे ऐसे सुविधाएँ हैं इसमें, ऐसे ऐसे बहुत कुछ मिलता है, इंटरनेशनल जाता है बंदा। तो मैंने फिर उधर गया, शूटिंग में गया था आर्मी में ही, आर्मी से ही मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी फिर। तो आर्मी से आपने शूटिंग स्टार्ट की, तो आर्मी ने आपको शूटिंग के लिए किस तरीके से सपोर्ट किया, क्या क्या हेल्प दी आर्मी ने आपको? आर्मी में जितनी हेल्प आर्मी ने की शायद उतनी हेल्प किसी ने नहीं की होगी, मेरा तो मानना ही है, क्योंकि आर्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया मेरे को। वेपन, एम्युनिशन, रहने खाने पीना जो भी खर्चा होता है मेरा वो आर्मी करती है। ओमप्रकाश जी, शूटिंग के बारे में एक पब्लिक में मिथ है कि शूटिंग एक कॉस्टली गेम है, काफ़ी खर्चा लगता है इसके अंदर, बहुत महंगा खेल है कि अमीर लोग इसको खेल पाते हैं, ऐसा एक मिथ है, तो क्या ये बात वास्तव में सही है? दूसरा मेरा प्रश्न इसी में ये है कि शूटिंग का प्लेयर बनने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है? शूटिंग का गेम जो .22 का पिस्टल का होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है और एयर पिस्टल का इतना कॉस्टली नहीं होता, वो थोड़ा नॉर्मली होता है। और इसके लिए मेन तो है कि शूटिंग का इक्विपमेंट जो पिस्टल, एमओ, शूज़, गॉगल, ये जो सब है इनकी रिक्वायरमेंट होती है, मेन सपोर्ट इन्हीं का होता है। ओमप्रकाश जी, शूटिंग खेल पे, शूटिंग स्पोर्ट्स पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कितना ध्यान दिया जा रहा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन खेलों पे कितना पैसा खर्च कर रही है, कितनी हेल्प कर पा रही है खिलाड़ियों की, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ही खर्चा किया है शूटिंग पे और गेम पे, बहुत ही ज़्यादा फोकस है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट पे। जो भी नई नई स्कीम निकाल रही है और स्टेट गवर्नमेंट का इतना ध्यान नहीं है, उन्होंने इतनी स्कीम भी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की। ओम प्रकाश जी, आखिर में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे, खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो गाँव के अंदर खेलते हैं? उनके लिए यही संदेश है, सबसे पहले तो कि जो मेहनत करेगा उसको हमेशा सक्सेस होगा। और दूसरी बात यही कि कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी कुछ भी हो, कंटिन्यू उसी में लगा रहे, जो भी स्पोर्ट्स कर रहा हो, और बाहर की चीज़ों पे ध्यान न देते हुए आगे बढ़ता रहे। अब हम ओमप्रकाश जी के परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले इनसे मिलते हैं, ये है सज्जन सिंह जी। सर, आप अपने बारे में बताएं। सज्जन सिंह मिठावर जी, मेरे दो बच्चे हैं ओमप्रकाश और लोकेश। आप हैं ओमप्रकाश जी की माता जी श्रीमती शांति देवी। आपका नाम? मिंटू देवी। आपका नाम? अंजू देवी। आप हैं ओमप्रकाश के बड़े भाई, आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम लोकेश कुमार है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी मेरी इच्छा है कि मेरा भाई ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीते और देश का नाम रोशन करे, ये हमारी उम्मीद। ओम प्रकाश जी को तो आप जानते ही हैं, आप ओम प्रकाश के रिलेशन में हैं, आप अपना परिचय दें। नाम राकेश कुमार। आप राकेश जी हैं, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं तो मौसी का लड़का हूँ। तो ये ओम प्रकाश जी की फैमिली है, ये पूरी कंप्लीट फैमिली ओम प्रकाश जी की, जो पिताजी से शुरू होकर के मौसी के भाई तक खत्म होती है। श्रीमाधोपुर.news.com पोर्टल के लिए इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला है, इसके लिए इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।